और गाजा पर ही नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, जहां युद्ध का दूसरा दौर शुरू। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के विस्तार को लेकर आज ये बड़ी खबर और बड़ा बयान। इस मुश्किल जंग को हम जीतेंगे, इसराइल में जो हुआ दोबारा कभी नहीं होगा। तो ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, लेकिन यह साफ हो गया था कि अभी तक सीमित समय और सीमित दायरे में अलग अलग वक्त पर इन ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज नेतन्याहू का आया ये बड़ा बयान, जिसमें यह साफ हो गया कि पहला चरण हो चुका है पूरा, अब दूसरे चरण की है तैयारी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि ग्राउंड ऑपरेशन के इस दूसरे चरण में अब होगा क्या? गाजा युद्ध का राउंड टू, खूनी दुश्मन को खत्म करेंगे और ये तो बस शुरुआत है, लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल के अस्तित्व का संघर्ष, आजादी की दूसरी जंग, ये बड़े बयान सामने आए हैं। हालांकि राउंड टू में कैसे तबाही मच रही है इसकी एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बाद जो हालात बिगड़ रहे हैं। ऑपरेशन गाजा का राउंड टू और उसकी ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि लगातार हो रहे धमाके के तहत बंकरों तक पहुंचना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, और अब बंकरों तक पहुंचने में मिली कामयाबी, बंदकों को छुड़ाने का प्लान और ग्राउंड फोर्स पर उतरी टीम्स ने ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब कौन कौन से उनके टारगेट्स हैं, ये अलग अलग उसी टारगेट्स को लेकर तस्वीरें भी आपके सामने। लगातार हो रहे धमाकों की आवाज तो आपने सुनी है, अब इंफॉर्मेशन वॉल पर उन टारगेट्स के बारे में डिटेल आपके सामने होगी, जिसके तहत अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। क्योंकि इस राउंड टू में इजराइल के 12 टारगेट हैं, युद्धक सुरंग, अंडरग्राउंड बेस, हमास हेडक्वार्टर, जल्दी से स्विच ओवर करें, तीन और तस्वीरें सामने रखे, जहां अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल रूम के साथ साथ बॉम्ब लॉन्च सेंटर, स्नाइपर पोस्ट, इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि किस तरीके से एंटी टैंक पोस्ट के साथ साथ मोर्टार फायर पोस्ट और समुद्र किनारे के ठिकानों को लेकर बड़े टारगेट सेट किए जा चुके हैं। इकट्ठा होने वाली जगह, छिपने की जगह, निगरानी टावर। संजय सोई सर, एक क्विक रिएक्शन में आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशंस तो भले ही सीमित दायरे में चल रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, इसीलिए इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त करने का अब दावा किया जा चुका है। नहीं देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे लोग कि ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू हो, और धीरे धीरे वो सॉफ्टनिंग अप कर रहे थे, लगातार बम्बार्डमेंट चल रहा था, और पिछले दो दिन में जिस प्रकार से बम्बार्डमेंट हुआ है वो एक था कि अभी ये क्लियर होती जा रही थी कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा। तो पहले उन्होंने जिस प्रकार से डीप खत्म किया था, कमांडर्स को मारा गया, स्टोरेज को मारा गया, लेकिन लास्ट दो दिनों में जो आसपास के इलाके थे जहाँ से फेंस को क्रॉस करना था, उधर से जो लोग इंटरफेयर कर सकते थे उन लोगों को, उन बंकरों को, मोर्चों को, जैसे आप बता रहे थे एलएनजी पोस्ट, स्नाइपर पोस्ट, उनके लॉन्च पैड से उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। फिर जो टैंक्स के द्वारा रेड की गई, जो स्पेसिफिक टारगेट थे उनको पूरी तरह से बर्बाद करके फिर वो वापस आ गए। दो तीन दिन से प्रोबिंग अटैक चल रहा था, और अब जो खास बात जो कल हुई है वो है कि वहां पे झंडा फहरा दिया गया है, झंडा फहरा दिया गया, और एक बार फिर से लोगों को कह दिया गया कि इलाका खाली कर दे, जो एक सबसे बड़ा संकेत था कि किस तरीके से अब इसी ग्राउंड ऑपरेशन में अगले चरण की होने वाली है शुरुआत।